बकबोट सुधारणा विधेयकावरून लोकसभेत रणकंदन माजलं. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडल्या तर आक्रमक श्रीकांत शिंदेंनी विरोधकांची पोलखोल केली. मुख्यतः शिवसेना युबीटीची पोलखोल केली. बकबोट सुधारणा विधेयकावरून लोकसभेमध्ये रणकंदन झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. विरोधकांनी सरकारच्या हेतूवर शंका घेऊन आरोप केले होते आणि सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना खडे बोल सुनावले. वक्फबोर्ड सुधारणा विधेयकावरून लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गदारोळ पाहायला मिळाला. वक्फबोर्ड विधेयकातून सरकारनं वक्फ कायद्यात अनेक सुधारणा आणल्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारनं हे विधेयक लोकसभेत मांडताच विरोधक त्यावर तुटून पडले. हे विधेयक मुस्लिमांच्या अधिकारांवर गदा आणणार असल्याचा आरोप आता केला जातोय. इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा. कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी. पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. वक्फ कायद्यातल्या सुधारणा कल्याणकारी असल्याचा दावा किरेन रिजिजू यांनी केलाय. हमने जो ब्रॉड बेस किया है किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए. जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है. इसमें महिलाओं के लिए बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला जिसको दबा के रखा हुआ है उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है. विरोधकांना मुस्लिमांचा विकास नको असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केलाय. या सुधारणांना विरोधकांनी पाठिंबा देण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलंय. इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है ये वोट बैंक खुश करने के लिए एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं. मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें. वक्फ विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार सभागृहातून गायब होते असा दावा श्रीकांत शिंदे यांनी केलाय. मेरे विपक्ष मित्र यूबीटी के सांसदों को और उनके नेताओं को भी मेरा प्रश्न है कि जिनके वोट पर आप चुनकर आए जिनके वोटों पर आप इस सदन में बैठे हो आज उनके लिए ये बिल यहाँ पर सरकार लेके आई लेकिन आप 9 के 9 सांसद जो है इस सदन से भाग गए. एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या निमित्तानं सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात बरीच तुतुमयमे पाहायला मिळाली. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या आक्षेपांना सडेतोड उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं. ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी, नवी दिल्ली. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.